सवात के खूबसूरत कोहसारों में तीन रोज रंग बिखरे रहे। कालाम फेस्टिवल खत्म हो गया। इख्तितामी तकरीब में सूबे के नामवर फनकारों ने महफिल लूट ली। सवात की हसीन वादी कालाम में तीन रोजा मेला तमाम तर रंगीनियों के साथ खत्म हो गया। इस रंगों भरे मेले का अहवाल जानते हैं शीरीज़ादा से। सवात की खूबसूरत को हिसारों के दामन में वाकया वादी कालाम में तीन रोजा सियाहती मेले की अख्तितामी तकरीबात सूबे के नामवर फनकारों ने लूट ली। इस बार तो और मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है क्योंकि ऑडियंस भी ज्यादा थी। कल भी मैंने परफॉर्मेंस की। बड़े अरसे बाद फेस्टिवल हुआ है। ये फेस्टिवल एक अमन का पैगाम था। मेले के आखिरी रोज सारा खान का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना रहा। मुकामी अफराद ने तीरंदाजी के गुर सीखे। बहुत से लोग यहाँ कालाम के आए हैं और इन्होंने एक एक एरो शूट किया तो हमें लगा कि इनमें टैलेंट है। एक दिन में इन्होंने टारगेट पे यानी बोर्ड पे इनका एरो लगा तो ये सीख सकते हैं अगर शौक हो तो। वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा परवेज खटक इख्तितामी तकरीब के मेहमानी खुसूसी बने। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल का दौरा भी किया। महकमा सियाहत के तहत सजे इस मेले में खटक डांस के साथ मौसीकी का तड़का भी लगाया गया। सियाहों ने रिवायती अशिया के स्टॉल से भी खूब खरीदारी की। कालाम फेस्टिवल तमाम तर रानाइयों और खूबसूरत यादों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। सियाहों का कहना है कि इस किस्म के फेस्टिवल का इनेकाद सियाहत के फरोग के लिए जरूरी है। शिरीन ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, कालाम, स्वात। कराची में नायाब परिंदों की शानदार नुमाइश का इनेकाद किया गया। बर्ड शो का अहवाल जानेंगे राहिल सलमान से।